ये क्या मशीन सी खोल रखी और ये एलईडी में चला रखे तुमने लैपटॉप? भाई लैपटॉप ना है यो, क्या है यो? यो छोटकी सी मशीन है, छोटकी सी मशीन है। देख कितनी सी, देख कितनी बड़ी हो कुल। अच्छा है, एक मिलान भी ना है, एक मिलान से भी कम है। ठीक है, कुल 8-9-10 इंच की मशीन कह रहे भाई। अरे इसमें लैपटॉप चला हो क्या? कंप्यूटर चला रखा? कंप्यूटर छोड़ दे हाजी, विंडोज 11 ले ले। अच्छा, विंडोज 11 की बहुत डिमांड हो रही इस छोटकी सी में। अरे लोग बात क्या कहेंगे, इसमें हार्ड डिस्क लगे या नहीं लगे? अरे भाई एसएसडी लगे, देख आज एसएसडी दिखाऊं दोबारा। फिर देख यो छुटकी से तो 256 की एसएसडी लग रही है, है? इसके चूहे के नीचे है वो रैम, चाहे 32 GB रैम लगा लिए। अच्छा जी। हाँ, और चाहे लगा लिए 2000 GB की एसएसडी। और फिर एक और खास बात भी है, यहाँ को देख ले पहले, इधर को मेरे का चेहरा कौन सा देखेंगे लोग, बुरे को तो देख ले। देख यो केसिंग का इसका जुगाड़ दिया, इसमें क्या है, अगर आप चाहो एक हार्ड डिस्क भी इसी में लगा सको, मतलब 2000 GB की, 4000 GB की लैपटॉप के हार्ड डिस्क में दिखाता हूँ। दीपक वाली हार्ड डिस्क चाहिए सर, जो भी आपको दी थी, तो चलो वो हार्ड डिस्क दिखाते हैं आपको भी, मतलब इसमें चाहे कितने भी लगा लो। और भाई साहब इतने बड़े बड़े ताम झमेले फैलाने से बढ़िया है, तो ये देखो 500 GB की हार्ड ड्राइव भी इसके अंदर लगा के दूंगा अभी। ठीक है, 500 GB हार्ड ड्राइव लगी कर यो। हाँ यो भी तो था, यो भी केसिंग इसी की है, इस पे यहाँ पे चिपक जाएगी हार्ड डिस्क, इस जगह हार्ड डिस्क चिपक जा, इस जगह यो टेप हट जाएगी, डबल टेप है यो, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क चिपक जाएगी। ठीक है भाई, तो अगर लेना चाहो तुरंत कॉल करो, टेंशन फ्री। अच्छा, इससे अलग आपको देखो इतना सारा ताम झमेला फैलाने से बढ़िया है, लोग बाग को लेना क्या पड़ेगा, सिर्फ एक ब्लूटूथ कीबोर्ड ले लो, एक माउस ले लो। ठीक है, या वाईफाई कीबोर्ड ले लो, एक माउस ले लो, ताम झमेला सारा तार पार में सब खत्म हो गया। अब इतने बड़े बड़े जो लोग बाग डेस्कटॉप रखे थे वो आप लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं। देखो मैं आपको वो बड़े वाले डेस्कटॉप भी दिखाता हूँ, हमारे पास गेमिंग में होते हैं, अब तो वे गेमिंग में अच्छे लगे, बस वैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये देखो, और गेमिंग का डेस्कटॉप भी बता दो तुम्हें विद ग्राफिक कार्ड है, बताओ। लो जो गेमिंग का डेस्कटॉप है i3 में, i5 प्रोसेसर में ले लो, i7 में ले लो, कौन से में ले लो, और भाई ग्राफिक कार्ड के साथ आप लोगों को मिल रहा है। ये देखो ग्राफिक कार्ड के साथ आप लोगों को मिल रहा है मात्र कितने में, कुल 11,000 रुपए दो गेमिंग का भैया, गेमिंग का। और गेमिंग में ये देख भाई आरबीसी वाले फैन है, यो फैन भी लाइट वाला है, एक फैन इसका यहाँ लग रहा लाइट वाला, यो लग रहा 8 GB वाला, 8 GB वाला बिल्कुल, एक फैन यो लग रहा लाइट वाला ही। ठीक है, यो है ग्राफिक कार्ड इसका भाई, इसमें भी आपको SSD के साथ रेडी करके दे दूंगा फुल 11,000 रुपए में, आ जाओ और ले जाओ। उससे अलग देखो मैं बात कर रहा था काम जमेला ना फैलाने की। एक ये जैसे कि ये तो रेडी हो रहा है, कोई रेडी वाला रखा भी आपके पास? बस ये रेडी होके देख इतना सा बन जाएगा ये देख छोटे भाई, ऐसा आ जाएगा HP का। अच्छा ऐसा आएगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूं, चलो अभी दिखा रहा लो, क्योंकि ये तो खुला हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझ में कहाँ आओगे लोग दोगे। हाँ जी, इसलिए तो कह रहे भाई ये उतारिये दीपक, यो ही तो उतारना। हाँ गिरना चाहिए, पक्का दे दूँ मैं। देख भाई यो मिल जाएगा। अच्छा ये पीस है, देख कितना बड़ा है, मैंने पहले क्या कहा, इसे हटाओ, ये इसे हटाओ पहले, ये हटाओ भाई यहाँ से, यहाँ देखो लो भाई। हाँ जी बताओ। लो अब यो देख लो, जो है वो जुगाड़। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ हाँ पावर कोर्ड की भी टेंशन नहीं, इसमें लगाओ आप सीधा, जैसे लैपटॉप का अडेप्टर होता है। हाँ जी, सीधा सीधा वो लैपटॉप का अडेप्टर लग जाएगा। ठीक है भाई, डी पोर्ट भी दिया गया है, और जितने भी ये पोर्ट दिख रहे हैं नीले वाले, आपने देखा नहीं होगा नीले पोर्ट में, आपने बिल्कुल ना देखा होगा भाई नीले पोर्ट में। नीले पोर्ट पता क्यों वही है? क्यों बताओ क्यों है? USB पोर्ट है तो, USB पोर्ट तो है, क्यों है ये नीले वाले, नीले क्यों है इसके? तानी भैया क्यों है? सामने का ब्लैक ही देखे होंगे। हाँ जी ब्लैक। चलो पहले तो कमेंट करने वाले को मिलेगा एक छोटा सा गिफ्ट, ठीक है, जो बताएंगे। अब जिनने कमेंट यो वाला करा हो, कहना ये 3.0 USB पोर्ट है भाई, कितने 3.0 USB पोर्ट में मिल रहा है, और साथ ही साथ मिल रहा VGA का, यानी कि आपका जो है केबल वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, दो मिल रहे डी पोर्ट, इसके साथ हम क्या कर सके हैं, तीन स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं। तीन क्या होता है, जैसे आधार केंद्र सेंटर पे एक स्क्रीन तो हमने अपनी साइड रख ली, दो स्क्रीन उनकी साइड लगानी, दो बंदों की या वगैरह कुछ भी, या ट्रेडिंग सेटअप भी हो सकता है, मतलब समझ गए ना, स्टॉक्स वाला सेटअप होता है, वही है जी। ठीक है, इसमें आप ले लो चाहे 8 GB रैम, 256 GB SSD, 16 GB रैम, 512 GB SSD या 32 GB रैम, 1 TB SSD, आपको जैसा भी सेटअप चाहिए हम इसमें आपको तैयार करके दे देंगे। कोई कहता है हमें SSD कम कर दो और 500 नॉर्मल हार्ड डिस्क बढ़ा दो, 1 TB बढ़ा दो, तो वो भी हमारे पास से हो जाना। ठीक है, और प्राइस भी ऐसे रहने वाले तुम सोचने के भी नहीं,
प्राइस आपको चलो एक छोटा सा बता देता हूँ कि 8GB रैम 256GB SSD के साथ कोई भी वीडियो के माध्यम से अगर आप में से आता है और इसको बुक करता है, मैं इसके प्राइस बता रहा हूँ विद अडेप्टर और पावर कोड के साथ, ठीक है, कुल 10,000 रुपए का। कितने का? सिर्फ 10,000 रुपए। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट बता दूं क्या, i5 प्रोसेसर के साथ है, 6th जनरेशन के साथ है। तो अगर इस पे i7 की चिट लग रही तो i7 की चिट छोड़ दो, i7 में चाहिए तो i7 में दे देंगे, ठीक है, i9 में चाहिए i9 में दे देंगे, और कोई सा आता हो i वाला तो उसे भी आ जाओ, टेंशन फ्री। अच्छा, इससे अलग भी मैं आप लोगों को कुछ सोते दिखा देता हूँ जो आपको अच्छे लगेंगे शायद, ठीक है, वो तो डिपेंड आप पे करें, वो तो आप वीडियो में बता ही दोगे जी, ठीक है। ये वैसे और भी रखे हैं छुटकू ऊपर, ये छुटकू रखे हैं तो चलते रहे, आते रहे, जाते रहे भाई। अच्छा जी, मैं तो आपको थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी डील दिखा देता हूँ। लैपटॉप दिखाओ तुम तो, हमें लैपटॉप भी दिखा देता हूँ। ऐसा है ना, लोग बहुत इंटरेस्टेड इसमें कह रहे थे, कमेंट आए थे कि भैया डेस्कटॉप पे आप वीडियो बना दो। अब लोगों का कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा, हम उसी तरह की आप लोगों को वीडियो बना के दे देंगे भैया जी, है ना। अब उससे अलग मैं आपको बहुत ही प्यारी डील दे देता हूँ, जैसे आप आए हमारे पास, देखो जो क्या है, मुड़ गया तितली, तितली वो है, तितली देख, एक और तितली आ गई, एक और तितली, वो भी सिल्वर कलर की। अच्छा जी, i5 में 4th जनरेशन का लैपटॉप है भाई, ठीक है, ठीक है। इसमें आप लोगों को मिल रही है 8GB रैम, 256GB SSD मिल रही है, 8GB रैम मिल रही। तो अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से आते हो, यो ना देखे भाई, नोना करे बिल्कुल भी, मैं तो टच कर रहा था, क्यों कर रहा है, देख रहा था। तो मैं एक चीज दिखाऊंगा ना, भी क्या लैपटॉप तुमने HP के देखे होंगे, डेल के देखे होंगे, लेनोवो देखे होंगे, एसर देखे होंगे, हाँ जी, आसुस देखे होंगे, तोशिबा देखे होंगे, देखे वाला भी देखा के, पैनासोनिक का है, मैं तो HP सोच रहा था ना, HP का ना है, पैनासोनिक का है, वो भी सिल्वर कलर में। अच्छा जी, हाँ, फुल फोल्डेबल भी, चलता कैसा है, चलता मक्खन। अच्छा जी भाई साहब, देखो मैं खुद मैं ये चला रहा हूँ, अच्छा, i5 चला रहा हूँ, 8th जनरेशन 16GB रैम के साथ चला रहा हूँ। ये तुम्हारा ही सेटअप है? ये मेरा है, ठीक है, हम्म, ये मेरे वाला है 16GB रैम के साथ है, i5 में 8th जनरेशन का लैपटॉप है, विद SSD आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे कितना भी आप SSD अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही मक्खन चलने वाला लैपटॉप है, इसलिए मैं खुद पर्सनल यूज में इसको चला रहा हूँ। हाँ, ये तो आप, और भी दिखा देता हूँ आपको अगले का, इसी में पैनासोनिक का एक पीस नहीं, यूनिक टच पैड के साथ आए हैं, यूनिक टच पैड के साथ, ये देखो यूनिक टच पैड तो है ही है, और कॉन्फ़िगरेशन देख लो, i7 8th जनरेशन तुम्हारे पे तो आ गया जी, तो सीखे जी, अच्छा, यूनिक बाजार पे यूनिक टच पैड ले लो, यूनिक बाजार पे यूनिक टच पैड के साथ हमारे पास मटेरियल आता रहता है, ठीक है, टच पैड यूनिक चीजें भी तो आना है, एक यूनिक डील भी निकाल दो, एक यूनिक डील तो हम आपको पता ही निकालते रहते हैं, यूनिक ऑफर निकालते रहते हैं। आज चलो आज का ऑफर भी दे देता हूँ, i7 8th जनरेशन आप सब कितने का एक्सपेक्ट कर सकते हो? पता नहीं भैया, i7 8th जनरेशन ऑल ओवर इंडिया की जिम्मेदारी है, कोई 20,000 रूपए से नीचे ला दे, लो i7 8th जनरेशन लैपटॉप ले जाओ 16,500 रूपए का, वीडियो के माध्यम से आते हो तो, ठीक है, 16,500 रूपये में i7 8th जनरेशन सिर्फ 16,000 रूपये का, 16,000 का नहीं भाई, गड़बड़ी ना करेंगे तो, 500 रूपये तो लू, 16,500 में, ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन फिक्स प्राइस रहेगी, प्राइस फिक्स रहेगी, हाँ, मिलेंगे भी उसे, किसे, वीडियो को शेयर करके आता हूँ, अच्छा जी, कम से कम 5 से 10 शेयर, और हम देखेंगे भाई, ठीक है, उसके बाद ही देंगे, नहीं देंगे फिर प्राइस बढ़ जाएंगे, नहीं फिर तो प्राइस बढ़ जाएंगे, जो इसका जेन्युइन प्राइस है वो 21,000 रूपए का है, वीडियो के माध्यम से आओगे तो 16,500 रूपए में है, और अदरवाइज में अगर आप i7 8th जनरेशन खरीदते हो तो आप सबको पता है 80 से 90,000 रूपए के i7 लैपटॉप शुरू होते हैं, ठीक है भैया। एक पीस और दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी i7 में है, ये 7th जनरेशन में, आप कहोगे आप इसका प्राइस इतना क्यों है, उसका इतना क्यों है, ठीक है, ये वाला भी मैं आपको i7 7th जनरेशन में दे दूंगा, ये 14 इंच की स्क्रीन में है और ये सिर्फ 13.5 इंच की स्क्रीन है, इतना ही अंतर है 0.5 इंच का, तो ये भी आपको 16,500 का पड़ेगा और ये भी आपको 16,500 का पड़ेगा, है दोनों i7 ही, हाँ जी है दोनों i7 ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर ये 8th जनरेशन है, ये आपका 7th जनरेशन है, ये 16,500 का है, और हाँ ये आपका 16,500 का ही बताया है, 16,500 का, ये भी बड़ी स्क्रीन में भी, ये बड़ी स्क्रीन है ना, अच्छा जी, इसलिए आपको 16,500 में है, और जनरेशन इसकी 1th जनरेशन नीचे होगी, अच्छा, अदरवाइज अगर ये 8th जनरेशन होता है ये आपको 17,500 का देता, वीडियो के माध्यम से, ठीक है भैया, चलो।